ब्रॉट यू बाय मेघदूत सत्रीठा। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब्बास अंसारी और उनकी जेल में बंद पत्नी कानून की रडार पर है। माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निखत बानो को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निखत की रेगुलर जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर 4 अगस्त को यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। दरअसल आरोप रहा कि निखत बानो जेल में बंद अपने पति यानी अब्बास अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मुलाकात करने पहुंची थी और गैर कानूनी मुलाकात के आरोप में ही अब्बास अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। वो जेल में बंद है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निखत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को निखत बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो के साथ उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच के दौरान निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने और बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के मामले में फराज खान को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे महकमे पर गाज गिरी, पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगन मोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी साजिश में शामिल होकर अपराध को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान और नवीन सचान के खिलाफ कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ के आदेश को बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी फिलहाल अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।